हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक स्पीक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 64 ई ऑक्शन के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, 24 नवंबर मतलब कल से ई ऑक्शन स्टार्ट कर दी गई है। 64 ई ऑक्शन, ये जो ई ऑक्शन रखी गई थी सिर्फ एक स्लॉट के लिए रखी गई थी। अभी तक इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली है कि किस चैनल ने स्लॉट जीता है और किस चैनल ने नहीं। आपको तो अभी बहुत से चैनल्स का इंतजार है दोस्तों, स्टार उत्सव, जी अनमोल जैसे और बीफ्लिक्स मूवीज जैसे, लेकिन ज्यादातर MPG4 सेटअप बॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं देता है दोस्तों। मतलब कोई चैनल MPG4 में ज्यादातर लॉन्च नहीं होता है दोस्तों। कोई भी चैनल MPG2 में ही क्यों स्लॉट जीतना चाहता है आपको पता है? क्योंकि MPG2 बॉक्स में कोई चैनल स्लॉट विन करता है तो वो MPG4 सेटअप बॉक्स में भी दिखता है। तो ज्यादातर GSC कैटेगरी वाले चैनल और मूवीज कैटेगरी वाले चैनल इस MPG4 सेटअप बॉक्स में इंटरेस्ट नहीं देते हैं, मतलब इसमें स्लॉट जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। इसमें ज्यादातर न्यूज चैनल जो है, मतलब अदर कैटेगरी के जो चैनल्स है, वो ही भाग लेते हैं और स्लॉट जीतने की कोशिश करते हैं। वैसे दोस्तों 64 ई ऑक्शन के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है कि कितने चैनल्स ने स्लॉट जीते हैं और कितने चैनल्स ने नहीं। जैसे ही हमारे पास कोई खबर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक बने रही है ब्रेक स्पीक्स पर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए फ्रेश जानकारी के साथ। थैंक यू।